सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाकर पाएं नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही अभी हम आ चुके हैं ऑल डिस्क इन्फो के सीताराम जी के पास में और यहाँ मिलकर हमने एक डिस्क इंस्टॉल की है, यानी कि रीइंस्टॉल की है। रीइंस्टॉलेशन था हमारे पास में टाटा स्काई का, वो जो हम करने आए थे। तो अभी ये कस्टमर का घर है जहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम इनका डिस्क ट्रैक करना है टाटा स्काई का, वो हम आपको आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। तो वो सारा चीज़ आप देखे हैं किस तरह से रीइंस्टॉलेशन करना होता है, क्या किट होती है। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो वीडियो है बहुत लंबा होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं सीखी है। तो अगर आप चाहते हैं सारी चीज़ें सीखना और सारी चीज़ें समझना, तो वीडियो को आप पूरा देखें, टिल द एंड सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो ये सीताराम जी, इनसे भी आप कुछ जान लीजिएगा क्या क्या ये बताने वाले हैं आज। दोस्तों, आज हम टाटा स्काई की रिलोकेशन कर रहे हैं, जो कस्टमर के घर आए हुए हैं वो भी हमारे मिलने वाले ही हैं। तो उनकी छत पे हम आप एक वीडियो बना रहे हैं, इंडियन गुरुजी और सीताराम दोनों मिलके। और ये टाटा स्काई का वीडियो दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो, आप इससे देखोगे तो आप कोई सी भी टाटा स्काई हो चाहे कोई सी भी डिश आप सेट कर सकते हो। अगर इस चैनल में आपको कुछ चीज़ समझ में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर पूछिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी लगेगी जो बहुत ही ज़रूरी हो, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हो, तो वो अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही कोई भी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो व्हाट्सअप आप जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसी तरह के और भी वीडियो हम मिलकर बनाने वाले हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो। तो इस वीडियो को कमेंट करके और का लाइक करके जरूर से बताए, जितने ज़्यादा लाइक होंगे हमें अच्छा लगेगा कि हम और बिल्कुल आगे का वीडियो आप देखते जाइएगा, जिसमें किस तरह पूरा बताएंगे इंस्टॉलेशन किस तरह से होगा, किस तरह से आप क्या क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और ये लोकेशन है जयपुर की, एक लोकेशन जहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट करने आए हैं डिस्क टाटा स्काई का, जिसे हमें सेट करने हम आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर है ऑल डिस्क इन्फो से सीताराम जी और इंडियन गुरु जी से नरेंद्र, दोनों मिलकर यहाँ पर रिलोकेशन करने हैं आज एक टाटा स्काई की डिस्क की। आप देख सकते हैं कि ये टाटा स्काई का डिस्क है, जैसे हम सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पर ये बैक साइड में जो होते हैं बोल्ट उनको खोल लेंगे, जैसा कि ये तीन बोल्ट हैं, तीनों को हम खोलेंगे, ढीला करेंगे थोड़ा, जिससे इसे बाहर निकाला जा सके। अभी ये जो है डिस्क है पहले से लगी हुई थी और कस्टमर ने खुद ने हटाई है। अगर हम खुद हटाते हैं तब तो अच्छे से हटा पाते हैं, लेकिन कस्टमर ने अपने हिसाब से हटाई है और वो जैसे उनको लगता है उस तरह से हटा के लेके आ गए हैं। अभी रिलोकेट करना है दूसरी जगह पे, यानी कि दूसरी जगह से हटी हुई को दूसरी जगह लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे हटा लेंगे, खोल लेंगे एक एक करके, और जब ये खुल जाता है तो ऊपर के दो जो बोल्ट देख रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेंगे। आफ्टर दैट जो नीचे आप इस तरह से ये देख रहे हैं इनको ढीला करना है और आफ्टर दैट इसको ढीला करना है, और उसके बाद में बताएंगे आपको किस तरह से लगा सकते हैं। तो आप देखते जाइए वीडियो को आगे कि क्या क्या इसमें होने वाला है और क्या क्या नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। और इस वीडियो को आप देखने के बाद में खुद भी आप रिलोकेट करना चाहते हैं किसी भी डिस्क को, तो वो आप कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्या क्या सेटिंग करना है और किस तरह से कौन कौन से बोल्ट्स आपको खोलने होंगे। तो यहाँ देखिएगा, इस तरह से ढीला किया हमने थोड़ा सा, और ढीला करने के बाद में इसे अलग कर लिया है। अलग करने के बाद में इस डिस्क को हम अलग रख सकते हैं, यहाँ पे अलग रख दिया है और पहले से एलएम भी इसमें फिट है क्योंकि ये पहले से रिलोकेट हो रही है, पहले से लगी हुई थी कहीं पर। यहाँ पर ऊपर वाले दोनों जो यानी कि ब्लेड हैं, इन ब्लेड्स को आप ढीला करेंगे थोड़ा सा। जब ब्लेड्स ढीला कर लेते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी कि जिस तरह भी आप इसे मूव करना चाहें वो मूव कर सकते हैं। नीचे का है क्लेम्प, उसे आप थोड़ा ढीला करेंगे कि उसको भी हमें मूव करना पड़ेगा और हमें को लेवल देखकर उसे यूज़ करना होगा। अब जैसा कि इस पे जंग लगी हुई है, पिछले 4-5 महीने से ये लगी हुई थी और पानी की वजह से जंग लगी है तो इसलिए खुल नहीं पा रही है। तो जैसे कि इसके लिए दो हमने पानी यूज़ किया और उससे हमने ढीला किया है। अब ढीला करके अब इस तरह से देख लीजिएगा कि प्रॉपर ये 90 डिग्री के लिए प्रॉपर ठीक है या नहीं है, ये देख लेंगे। उसके बाद में हम लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन बहुत ही ख़राब लोकेशन पे हमें मिला है जहाँ पे रिलोकेट करना है। तो ये जगह है, एक झोपड़ी है वहाँ पे ये रिलोकेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चद्दर के नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए आगे कि किस तरह से क्या क्या आपको पॉइंट्स करने हैं और किस तरह से सेटअप आप करेंगे। 90 डिग्री होना ज़रूरी है। और अगर बात करें डिस्क के लोकेशन की तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर दूसरा एक वीडियो कॉन लगा हुआ है, ये है डिस्क का लोकेशन जहाँ पे हमें सेट करना ज़रूरी होगा, यानी कि इस तरफ देखता हुआ होगा हमारा डिस्क। तो इस चद्दर से थोड़ा ऊपर निकलते हुए होगा, तो आप देखेंगे किस तरह से क्या होगा। तो हम आगे को इसको स्किप करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सेटिंग्स आपको किस तरह से करनी है। देखिएगा, जैसा कि हमने लोकेशन सेट कर लिया और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपको ये सेट करना है स्टैंड, वो इस तरह से करना है कि आपका जो डिस्क निकले इस चद्दर से ऊपर हो, क्योंकि दिक्कत क्या होगी कि जो हम इसे मूव करेंगे तो उस समय प्रॉब्लम समय आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसे रख लेंगे और रख कर प्रॉपरली इसे देख लेंगे कि ये ऊपर मूव हो सकता है या नहीं हो सकता, डिस्क लगाया जा सकता है ये वाला,
या नहीं लगाया जा सकता। देखो LMB डिस्प्ले से सेटेड है, और तो यहाँ पर हम इस तरह से ये देखिएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें बताया था कि किस तरह से लेवलिंग करनी है, तो वो आप देख सकते हैं इस तरह से लेवलिंग होगी। और ये लेवलिंग होने के बाद में यहाँ से इस तरह से इसे टिक लगा देंगे, यानी कि टिक आप अपने हिसाब से किसी भी पेन से लगा सकते हैं, पेंसिल से लगा सकते हैं, या कोई नहीं तो फिर कोयला जो होता है लकड़ी का उससे लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से यूज़ में आ सकता है यहाँ पर। तो अब ये लगा लेंगे और इस तरह से एक ड्रिल निकाल लेंगे और उसके तार हम लाइट में लगा कर यूज़ करने का स्टार्ट करेंगे। तो ड्रिल से हमें छेद कर लेते हैं, आफ्टर दैट मैं आपको बताऊँगा। ये तीन छेद आप देख सकते हैं इस तरह से हुए हैं कि ऊपर आपका जो है ना डिस्क इस चद्दर से ऊपर जाए और प्रॉपरली आप टाटा स्काई वीडियोकॉन और ABS को भी सेट कर सकें। यह डिस है, अब आगे हम स्केप करते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो बन रहा है वो इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल और ऑल डिस इन्फो यूट्यूब चैनल के सहयोग से और दोनों के साथ मिलकर बन रहा है, तो आप देख सकेंगे दोनों ही चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आया तो ये है 8mm का बिट, और ये जो मशीन है ये वाइकिंग की है, और आप देख सकते हैं इसका अगर चाहें तो मैं लिंक आपको मैं नीचे दे देता हूँ कहाँ से आपको परचेज करनी है। और हाई पावर वीडियो होती है जिसमें अच्छे से आपको होता है, और इस ड्रिल की बात करें तो दोनों साइड में घूम सकती है, अगर हम चाहें तो इसे उल्टा भी घुमा सकते हैं। जब हमें किसी भी जगह खोलना होता है अपने खुद को तो इस टाइम पर खोलने के लिए इसे यूज़ करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं डिस्क का वैसे काम नहीं करता हूँ, कभी किसी डिस्क को लगाने नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर उनके साथ में मैं आया हूँ मुंडली इस डिस्क का प्रैक्टिकल करने के लिए। अभी अगर रुक गया तो बैक साइड में इसे घुमा सकते हैं, यहाँ से जो दिया गया बटन है रेड कलर का उससे उल्टा घुमाया जाता है, अब इस तरह से छेद कर हो जाते हैं। इन छेद को करने के बाद में यहाँ पर जो गिटीज़ होती है यानी प्लास्टिक के होते हैं उनको आप लगा सकते हैं, और अगर आपके पास में नहीं है तो ये देखिए हमने जुगाड़ बनाया है ये, अगर आपके पास में नहीं हो तो वो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह का एलिंग की किट लेके और अपने आसपास की जो वेल्डिंग की दुकान है वहाँ से करवा सकते हैं। ये हमने पर्सनली बनाया कि अगर आप किसी बोल्ट को खोलना हो तो इस तरह से खोले जा सकते हैं, और उसे वापस गिट्टीज होती है आप जैसे कि बांस के जो डंड लकड़ियाँ होती है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ये जैसे कि ये होती है रिलोकेशन किट, वीडियोकॉन की ओर से स्पेशली प्रोवाइडेड होती है जब हम वीडियोकॉन की रिलोकेशन करते हैं, तो यहाँ हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो कोई नहीं वहाँ दूसरा यूज किट यूज़ कर लेते हैं। तो अभी दिखाने के लिए मैंने आपको किट बताया कि इस तरह का किट आता है जिसमें पहले से ये केबल टाइस होती है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। इस तरह से ये जो गिट्टीज होती है वो लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा अलग से गिट्टी हमने लाई हुई है ब्लैक कलर की, ये ज़्यादा अच्छी होती है, अगर हल्की दीवार है या फिर थोड़ा दिक्कत है दीवार में तो ये प्रॉपरली सेट हो जाती है, लकड़ी जर लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में जैसे कि हमने ये जो सेट पहले से ढीला किया था थोड़ा वैसे और ढीला कर लेंगे और बिल्कुल हटा लेंगे, क्योंकि जो सेटिंग करनी है 90 डिग्री पर करनी है, इस वजह से इसको प्रॉपरली हटा कर यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा कस लेंगे। अब ये देखिएगा जब इसे कसेंगे तो उसके बाद में इसको 90 देखना ज़रूरी होता है सर, अगर 90 होगा तभी आपको प्रॉपरली होगा। ये पेच वही पेच है जो हमें मिले हैं यहाँ पर किट पर, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये केयर नहीं भी होते हैं आपके पास में तो अलग से मिल जाते हैं हार्डवेयर की दुकान पे, नहीं तो हम कि प्रॉपरली इसमें 2-3 किलो का एक साथ आता है पूरा, वो आप ये ले लेते हैं। अब इस तरह से कि हमने जो जुगाड़ बनाया था लाइट ये जो जुगाड़ है पूरा कसने का, तो उस जुगाड़ से हम यहाँ इसे कस लेंगे। आप प्रॉपरली अगर मैं इसे कसता हूँ धीरे 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 तो बहुत धीरे हो जाता है, बहुत लेट हो सकते हैं। तो अगर आप कोई भी डिस इंजीनियर है पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी हैं और ये आप इस तरह का ये यूज़ करना चाहते हैं जो देख रहे हैं सामने, तो वो भी आप बना सकते हैं, और नहीं बन रहा है तो बता दीजिएगा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये 8mm का है जिसमें पहले से टूट गया था यानी घिस गया था, घिसने के बाद में एलन की किट वो लगाया और लगाकर हमने यूज़ कर लिया। आप देखिए लाइट नहीं आ रही थी, लाइट आ चुकी है, और हम इसको इस तरह से कस लेंगे, कसने से पहले थोड़ा सा ढीला इसमें रख लेंगे क्योंकि 90 डिग्री इसमें देख लेते हैं, अगर 90 है हमें तो प्रॉपरली पता रहता है कि 90 है, तो इसलिए हम रखने से टाइट कर देते हैं और ये टाइट हो जाएगा। इससे ढीला इसलिए रखा है कि 90 डिग्री रखना था, इस वजह से थोड़ा सा हाथ अपने हिसाब से देख सकते हैं या फिर आप जो होता है लेवल उस लेवल से भी देख सकते हैं। इस रिलोकेशन को करने के लिए देखिए अलग अलग चार्जेस होते हैं, गुजरात की बात करें तो 300 से ऊपर भी ले रहे हैं कुछ लोग, और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग 250-200 रुपये ले लेते हैं, तो अलग अलग होता है एरियाज़ के अनुसार, तो वो आप अपने हिसाब से अनुसार ले सकते हैं। डिस इंजीनियर है तो आप जैसे कि गाँव से हैं तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, प्राइस है, लेकिन जो बात करें किसी भी सर्विस कंपनी की तो वो लगभग 200 से 250 और 300 रुपये का जिसका चार्जेस रहती है रीइंस्टॉलेशन का, तो वो सभी चार्जेस रहते हैं। और इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि ये जो देखना है मेनली आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये चादर से ऊपर जाना चाहिए, अगर डिस्क चादर से ऊपर नहीं गया तो यहाँ आपको हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम प्रॉपरली इसके लिए पहले से सेट करके चल रहे हैं, ड्रिल भी आप इसी तरह से किया गया है कि ये ऊपर निकल जाए,
प्रॉपर हो चुका है। आप जो गिट्टीज लगा लेंगे, पहले ही मैंने वैसे था कि बताया कि अगर गिट्टी नहीं हो तो कोई भी लकड़ी भी आप लगा सकते हैं उसको, या फिर बांस का जो झाड़ू होता है उसकी झाड़ू के जो होते हैं बांस, उसको थोड़ा सा आप अलग अलग करके यहाँ पर ठोक सकते हैं। जब पूरी तरह मजबूत हो जाए तो उसमें इस तरह से ये जो होता है कीला ठोक सकते हैं, या फिर इससे तो बोल्ट आता है वो लगा सकते हैं। ये हो गया एलंकी बोल्ट लगाएंगे तो प्रॉपर रहेगा, क्योंकि बोल्ट पूरी मजबूत हो जाती है उसमें, अगर कील लगाते हैं तो वो मजबूती नहीं होती। कुछ लोग जो गांवों से होते हैं वो कील भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत है। इस तरह का जो बोल्ट है स्पेशली इसी के लिए आता है, और इसमें एक तो आता है हल्का वाला, एक मजबूत वाला। ये मजबूत वाला है और जो हमने यूज़ करा है, ये है हल्का वाला जो इसमें मिलता है, ये देख सकते हैं आराम से, ये हल्का वाला है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे हम सेट करते हैं, आफ्टर दैट सिंगल ट्रैक करेंगे, और सिंगल ट्रैकिंग जो हम आपको बता रहे हैं इसे यूरी एस एम 999 मीटर से बताएंगे, जो एक अच्छा मीटर है। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक यूरी में एक अलग से मीटर आने लगा, सेम सब कुछ है बट कुछ टी पी एस की दिक्कत है, तो वो कोलोराडा का आ रहा है। अगर कहीं नहीं मिलता है तो वो हमको भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, सेम प्राइस है, महंगा बहुत आ रहा है वो, लेकिन अभी यूरिया लगभग कई जगह ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से वो कोलोराडा भी उपलब्ध हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा इस तरह से हमने ये जो सेट किया है, अभी ऊपर का अगर आप लेवलिंग देखेंगे तो वो लेवलिंग इसी तरह से, ये कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर से करें, और हमें एक बार ये ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो और भी हम शेयरिंग में और भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें दोनों की तरफ से एक अच्छा सा प्रयास होगा आपको अच्छी सी चीज़ें सिखाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक जितना करेंगे, जितना हमें समर्थन मिलेगा, जितना हमें विश्वास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो बनाएं तो आपको पसंद आ रहे हैं। अभी जैसे कि ब्लेड्स जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लेड्स बिल्कुल टाइट होनी चाहिए और दीवार के बिल्कुल चिपकनी होनी चाहिए। यहाँ पर ये देखिएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे आप थोड़ा सा घुमा सकते हैं एरिया के अनुसार। रिलोकेशन में जब ये होता है, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे प्रॉपरली सेटअप के लिए नहीं है जगह, तो वहाँ पर इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ये फिक्स बैठ चुका है और यहाँ पे पूरी तरह से इसे टाइट कर लेते हैं। कई बार ये टाइट करने में टूट भी जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपका जो बोल्ट है वो ठीक नहीं होगा, हल्की कंपनी का होगा या कुछ दिक्कत होगी, या प्रॉपरली उसे आप कसते नहीं हैं, तब ये टूट भी सकता है। तो इसे आराम से इसे कसें और बिल्कुल टाइट इसे रखना है, बिल्कुल मजबूती से इसे टाइट करना है। यहाँ से सीताराम जी कुछ बोलना चाहते हैं तो एक उनकी बात भी सुन लीजिएगा, वो बताना चाहते हैं सुन लें। दोस्तों कभी ये बोल्ट आप ऐसे मत समझना कि ये लोकल है, कमज़ोर है। कई बार क्या होता है गिट्टी टाइट जाती है, ये बोल्ट ज़्यादा टाइट करते हैं तो टूट भी जाता। अब ये बोल्ट मैं टाइट कर रहा हूँ, ये बोल्ट टूट गया। ये देखिए दोस्तों, ये टूट गया, ये देखिए ये टूट गया। तो इसकी जगह आपको दूसरा ड्रिल करना पड़ेगा। तो अब अलग से ड्रिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा हम ड्रिल किस तरह से करते हैं, दोबारा से इसको प्रॉपरली 90 पे होना चाहिए और लगभग इसके पास में हमें देखते हुए ड्रिल करना है। कोई सेटिंग नहीं करनी, इसके नीचे या साइड में कैसे भी कर सकते हो आप। हाँ, लाइट चालू। अब हुआ दोस्तों प्रॉपर टाइट, इसके बाद इन दोनों बोल्टों को टाइट करेंगे। तो अब जैसा कि इन्होंने बताया कि अब दोनों जो बोल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों बोल्ट को टाइट करना ज़रूरी होता है, और ये इतने टाइट हो जाने चाहिए कि अगर इस पर कोई लटक भी जाए ना तो वो गिरे नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली आप टाइट करेंगे जो आप देख रहे हैं उस तरह से, और टाइट करने के बाद में थोड़ा देख लीजिएगा कि मजबूत हो गया या नहीं होगा, और साथ में अगर बंदर भी चढ़ जाए तो ये हिले नहीं एक बार। तो इस तरह का हमें टाइट करना है, और कई जगह कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो टाइट नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनके लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर टाइट है, कोई हिलाए तो लटक भी जाए तो दो आदमी से तो ये हिलेगा भी नहीं एक साथ। तो अब देखते हैं आगे, हम डिस्क को सेट करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा डिस्क है, ये रही हम तीन डिस्क,
जस्ट के ऊपर लगा रहे हैं और यहाँ पे अब लाइट का वायर हमने हटा दिया है, ड्रिल को एक तरफ कर दिया है और अब सेटअप करना है। तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो LMB है इस पर हमें वायर लगाना होगा, वो आपको बता देते हैं। इसका देख लेंगे कि ये लेवलिंग प्रॉपर है, छतरी कहीं से मुड़ी हुई नहीं, यानी कि डिस्क मुड़ी हुई नहीं है, वो भी हम देख लेंगे। और कुछ सब्सक्राइबर अगर साउथ इंडियंस हैं और वो अंग्रेजी में कुछ सुनना चाहते हैं तो वो मैं सॉरी, इसके लिए हिंदी में है सारा वीडियो। ये सब पूरा बैठ जाना चाहिए दोनों बोल्टों के लेवल पे। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये ऊपर का हिस्सा है, ये प्रॉपरली यहाँ पर टच होना चाहिए प्लास्टिक से, वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर थोड़ा ऊपर रह जाता है तो ढीला रहता है और फिर दिक्कत आती है। यहाँ पर हमने देखिए डेस्क यहाँ पर हमें रखनी है जो एयरटेल का है, और वो सेटअप तो हमें बाद में ट्रैक करना पड़ेगा तब रहेगा। इसके लिए ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले ये जो सर्विस केबल होती है एक हमें अलग से लगानी होती है। सर्विस केबल आप खुद बना सकते हैं, एक कोई भी केबल ले लीजिएगा कोएक्सल केबल और उसमें दोनों तरफ कनेक्टर्स लगा सकते हैं। कनेक्टर्स की बात करें तो आपके लोकल एरियाज़ में मिल जाएंगे जो बिल्कुल लोकल कनेक्टर होते हैं, और इस तरह के जो कनेक्टर होते हैं वो आपको 10-12 रुपये या 15 रुपये के आसपास ये मिलता है। अगर आपको वहाँ मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप सोशल साइट से परचेज़ कर सकते हैं, शॉपिंग साइट से, या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो छोटी सर्विस केबल के साथ में हमारा जो UMSM SM999 है उसमें कनेक्ट कर दिया हमने एक डिजिटल मीटर को, सेट फाइंडर को, और सेट फाइंडर को कनेक्ट करने के बाद में सर्विस केबल को इसके सेट फाइंडर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद में हम आपको इसको ट्रैक करके दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रैक होगा ये। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इस तरह से इस चादर से दूर रहना चाहिए जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। कई बार चादर लंबे भी होते हैं कोई जगह, उस जगह भी हमें प्रॉपर ट्रैक करना होता है, जो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे लूज़ कर लो, जैसा कि इन्होंने बताया थोड़ा थोड़ा इसे लूज़ कर लेंगे दोनों साइड से, क्योंकि जो हमें इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा तो थोड़ा हिलाना पड़ेगा, इस वजह से हमें इसे ढीला कर लेंगे। और उसके बाद में मीटर में हम ऑन करेंगे, जैसे कि हमें टाटा स्काई सेट करना है तो टाटा स्काई की सेटिंग करनी होगी, मैं आपको मीटर में भी बता देता हूँ। यहाँ से सेटिंग करके वीडियो कॉन से स्विच करके टाटा स्काई पे हमने कर लिया है 83 पे मिलेगा आपने को। और बात करें तो 75 ABS से थोड़ा दूर रहता है, यहाँ पे देख लीजिएगा अभी कोई सिग्नल नहीं है, देख लीजिएगा सारे सिग्नल्स, और इस मीटर में सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। यहाँ पे देखिएगा अभी एड्रेस है, इसको हम सेट करके बताएंगे, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ आपको जो अच्छे से देख सकें, थोड़ा सा यहाँ पे जगह भी कम है इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, देखिए नहीं तो अब ये देख लीजिएगा किस तरह से क्या सेटिंग करनी होती है। ये वाला ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार आप इधर उधर सेट करते रहते हैं तो वो नहीं होता। तो इस तरह से अगर प्रॉपर सेटअप होगा आपके पास में, एक सेट वाइंडर, एक डिजिटल मीटर और एक यहाँ पर LMB, उसके साथ में प्रॉपरली आप कर सकते हैं। वैसे करने में तो बहुत अच्छे, और भी सेट वाइंडर से भी डायरेक्ट किया जा सकता है, बॉक्स से भी किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर वे है जिससे किया जा सकता है जो हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से इंस्टॉलेशन भी होता है और बाकी चीज़ें भी की जा सकती हैं। यहाँ पर जब ये बीप करता है सेट फाइंडर तो उस जगह एक सैटेलाइट मिल जाता है इसे, तो वो सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर सारा करके हमें टाटा स्काई पे ये करना है, अभी ये चेक करना है कि LMB में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर LMB में बीप नहीं करता तो हो सकता है कि LMB दिक्कत हो सकती है, खराब ये हो सकता है, LMB खराब है। तो एक बार चेक करते हैं क्या दिक्कत है, दूसरा LMB लगाते हैं। जैसा कि हमें लग रहा है कि LMB ख़राब है ये, तो दूसरी LMB के साथ में इसे यूज़ करके देखेंगे कि वो कोई तो है नहीं। तो यहाँ पर हम एक LMB जो एक शार्प का LMB है, अब LMB के ऊपर की साइड आप ध्यान में नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए LMB है और ये हमारे लिए LMB है, आपके लिए नहीं है जो सब्सक्राइबर हैं, ये हम यूज़ करते हैं। और शार्प की LMB ये जो है सॉलिड की तरफ से आती है वैसे भी है, और से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये वीडियो गन की तरफ से प्रोवाइडेड थी पहले की, वो हमने यूज़ कर रहे हैं। और नीचे जो LMB है वो भी टाटा स्काई की शार्प की LMB है, लेकिन हो सकता है शायद वो ख़राब हो गई हो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से ओपन करके हमने दूसरी LMB को बिठा दिया है, अगर गुजराती में बोलें तो बिठा दिया है, और यहाँ पर इस तरह से इसे कस देंगे, स्क्रू एंगल 10-15 जैसा कि होता है, स्क्रू एंगल 10-15 रहेगा माइनस। अब ये LMB भी देखो, यहाँ देखिए हाथ लगाते ही सुई भगती है, इस हिसाब से भी ये LMB टेस्टिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें लगा था कि LMB ख़राब हो गई, तो ये रीज़न था उसका। अब ये देखिए प्रॉपर ट्रैक हो गई है, एक ही बार में ट्रैक हो गई है, LMB ख़राब थी इस वजह से कोई दिक्कत आ रही थी। आफ्टर दैट हम देखते हैं सिग्नल क्वालिटी कितनी आ रही है, तो 11.7 dB, यानी कि ये जो परसेंटेज आप नीचे देखेंगे, हम परसेंटेज नहीं देखते हैं, ये परसेंटेज अलग बात है, DB अलग मेन होता है।
और जो और किसी मीटर में नहीं दिखाता है, इस मीटर में ही प्रॉपरली आपको मिलते हैं। 13, 13, 2, अगर 10 होता है, 10 बहुत होता है सभी के लिए। 14, 14, 4 हो चुका, बहुत अच्छा सही बना रहा है। अभी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इसके बाद में आप देखिएगा, इस तरह से जब आपको सिग्नल मिल जाता है तो पूरी प्रॉपरली इस तरह से टाइट करना है कि कोई भी कुछ भी गिरे इसके ऊपर से कुछ होना। नीचे के जो 3 बोल्ट टाइट करने हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो सीधे इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं और ऊपर करके उन बोल्ट्स को आप टाइट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, मीटर को हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि इसमें बैटरी जो है यूज़ होगी लगातार, क्योंकि ये जो साइड फाइंडर ले रहा है बीप अगर बजा बजती इसमें तो उसकी वजह से थोड़ा हमें बैटरी खर्च हो जाती है। तो इस तरह से हमने टाइट कर दिया। वीडियो लंबा हो रहा है, उसके लिए सॉरी, हम आप सभी से बोलना चाहेंगे, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर की मांग थी कि आप कुछ अच्छे से पूरा आप अच्छे से दिखाइएगा, इसलिए हमने इस इतने वीडियो को बनाना अच्छा समझा है आपकी ही ख्वाहिश पर। तो अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं वीडियो, तो आप इस तरह से आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो डिस इंजीनियर हैं, उनको तो शायद ये वीडियो अच्छा नहीं लगे, वो ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करें, लेकिन कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो लंबा लंबे वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनके लिए एक अच्छा वीडियो है, तो वो देख के समझ सकते हैं, पूरे वीडियो में जान सकते हैं कैसे क्या क्या करना पड़ रहा है। हमने पूरा कोई भी स्टेप यहाँ पर काटा नहीं है, पूरे के पूरे स्टेप्स हम बता रहे हैं। इसके बाद में जैसे कि डिस हमने ऊपर की थी, तो वो थोड़ा सा नीचे करेंगे सही जगह पर सिग्नल्स को देखते हुए, क्योंकि सिग्नल आना बहुत ज़रूरी है, और सिग्नल सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आपको होती है। ये देखिएगा 4, 13.9, 14 आ गया था अभी में, 14.1, जितना अच्छा मिले उतना अच्छा है, 4, 3, 4, 4 आ रहा है। तो इसके सिग्नल में कोई दिक्कत नहीं है, और जब ये हिलना बंद हो जाएगी तब आराम से हमें ये अच्छे से 4, 5 और 4, 4 के बीच में मिलता रहेगा। और ये था हमारा सेटिंग प्रोसेस जो हमने बता दिया है। ब्लास्ट में हम आपको नीचे का टीवी में भी बता देंगे कि इस तरह से क्या करना है। केबलिंग हमें करनी होगी, केबल आप सब करना जानना चाहते हैं तो जानते हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा और हम आपको बता देते हैं कि ये जो LMB था हमारा यूज़ करने का LMB था, वो हम आप किसी को देने वाले नहीं हैं। LMB हमने हटा लिया है, ये एक LMB हमने सॉलिड का यूज़ किया है यहाँ पर 1080 का, और बहुत ही अच्छा LMB है। अगर बात करें इस LMB की तो ये सेम इसी तरह का LMB है। मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर शार्प की सॉलिड आता है, और सॉलिड को नीचे से हटा देंगे इस जगह से, मैं आपको दिखा देता हूँ, हटा के भी दिखा देता हूँ क्योंकि आप मानने वाले नहीं हैं कि इसमें क्या है। ये देखिएगा शार्प है, इसी को लगा देते हैं क्या है, तो ये वाला हमें मिला है शार्प का ही LMB है, लेकिन सॉलिड ने रीब्रांडिंग करके इसे यूज़ किया है। तो ये वाला LMB अभी आप ले सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे है, और कमेंट आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो ये वाला LMB बहुत ही अच्छा LMB है, और अच्छे सिग्नल आपको मिल जाते हैं। और इस तरह से आप इसे कस दीजिएगा, आफ्टर दैट हम सिग्नल चेक कर सकते हैं एक बार कि क्या है, किस तरह से हैं, आपको चेक करके बता देते हैं। वैसे तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से टेस्टेड है, और कोई भी LMB इस तरह का ख़राब नहीं आता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जब ये कोई ख़राब निकले, कभी कोई ख़राबी इनमें नहीं होती है। जो ख़राबी होती है बरसात की वजह से कभी होती है, वैसे कोई दिक्कत हमें कभी नहीं आती। इस तरह से देखिए, मीटर हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है चेक करने के लिए, और कनेक्ट कर यहाँ पर टाटा स्काई हम आपको दिखा देते हैं। अब बात करेंगे कि जो 14 था वहाँ की जगह 12 कैसे हो गया, तो यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको डिस्ट्रैक्ट किया तो ये 14 हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा क्योंकि वो जो LMB थी वो डायरेक्टली हमें पहले, बहुत पुरानी LMB है जो टाटा स्काई वीडियो करने आ जाती है, 14.3, तो थोड़ा सा कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी LMB है, बहुत ही बढ़िया LMB है। अब ये देख सकते हैं सिग्नल परसेंटेज आपके हिसाब से देखा जाए तो 91 है, और जो आना बहुत ही मुश्किल है, 91% है। यहाँ पर खुला एरिया है सामने, ये थोड़ा सा दीवार है आगे, और तो कोई दिक्कत नहीं, खुला है, और चद्दर के आगे ये हमने ट्रैक किया है। उसके बाद में केबल कनेक्ट करके नीचे का हम आपको दिखाते हैं कुछ, और ये है डिस प्रॉपरली, और वायर हमने मांग लिया है जैसे नीचे से, वो हमें प्रोवाइड करेंगे, तो क्योंकि पहले से रिलोकेशन है, पहले से इनका वायर था, वो हम लगाएंगे यहाँ पर, और टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स इनके पास है। ये देखिएगा, यहाँ पे कार्बन रहता है तो उसे हटा लीजिएगा, हटा कर रबर सीट थी वो आपको लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो यहाँ पे जंग लग जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो ये जो रबर सीट इसके साथ मिलती है वो लगा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और नहीं लगाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, बिना लगाए भी काम चला सकते हैं।
इस तरह से कस दिया है। आफ्टर दैट आपको जो यूज़ करना है मेन केबल टाई है, जो आपको पता नहीं होगी, कुछ लोग यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली यूज़ लगा देते हैं, वो भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो ये चीज़ें किट में से हमने केबल टाई निकालेंगे यहाँ से थोड़ा सा ओपन करके, और इन केबल टाई को किस तरह से लगाना है, और हर कंपनी का एक अलग अलग प्रोसीजर होता है कि किस तरह से क्या सेटअप होता है। यहाँ इतना वायर रहना चाहिए, ये इतना वायर इसलिए कि ये जो ऊपर कनेक्टर लगा है, अगर इसमें कुछ दिक्कत आए, कभी भी कोई परेशानी आए, तो इसे काट कर वापस से जोड़ा जा सके, इसलिए ये वायर थोड़ा सा लंबा हम रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो होता है ये केबल टाई लगाएंगे, और इस केबल टाई को पूरी तरह टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद में एक राउंड नीचे देंगे, वो इसलिए कि कभी वायर की ज़रूरत पड़े आगे का, ये जो ऊपर वाला वायर है वो भी कम पड़ने लग जाए, तो यहाँ जो ये राउंड है उस वायर को हम यूज़ करें आगे की कनेक्टिविटी के लिए। इस तरह से एक केबल का केबल टाई लगा देंगे। इसके बाद में थर्ड केबल टाई लग चुकी है हमारी, और इस तीसरी केबल टाई के बाद में हम चौथी केबल टाई नीचे की तरफ लगाएंगे, और फिर डायरेक्टली पिनिंग करते हुए नीचे की तरफ इसे ले जाएंगे। नीचे लगा कर आपके सभी को बताया कि नीचे सेटअप बॉक्स में हमें कनेक्ट करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेटअप हो गया है। एक इंस्टॉलेशन जो हमें टाटा स्काई की मिली थी वो हमने कर दी है। ब्रांड नेम मैं यूज़ नहीं बताना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन बता दें कि टाटा स्काई का डिश है, इसलिए टाटा स्काई हमने डिस्ट्रैक्ट किया है, और ये लोकल डिस्ट्रैकिंग है, यानी कि आज हमारे पड़ोस में जो थे उनके थ्रू ये आया था, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी की तरफ से हम कुछ यूज़ कर रहे हैं। आप इस तरह से डिस्ट्रैकिंग कर सकते हैं, और ये प्रॉपर प्रोसीजर है, अगर आप कुछ एक बिना जरूरी ऐसा इस तरह से कर देते हैं, और केबल टाई जो है ये काटना जरूरी है नहीं, तो बहुत बकवास लगता है, मच्छर इस पर बैठते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाती है, बहुत बुरी तरह लगती है। तो इस तरह से काट दीजिएगा, और ये एक प्रॉपर सेटअप है, और बहुत ही कम जो डिस इंजीनियर हैं इस तरह का यूज़ करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट होगी आप इस तरह से करें, चार्जेस भले कस्टमर से ज़्यादा ले लें, लेकिन ये प्रॉपर होगा तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अभी यहाँ पे जैसे कि इंस्टॉलेशन हुआ है, और साथ में ये LMB चेंज हुआ है, सॉलिड का LMB जो हमने लगाया है, सार्प वाला जो ब्रांडिंग मैंने दिखा दी है, सार्प का LMB, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। और वो जो LMB है बहुत ही अच्छा LMB है, थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन अच्छा LMB है, तो वो भी आप चाहें तो वो यूज़ कीजिएगा। हर जगह कुछ भी सेट करना हो तो आप करें। अभी हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने यहाँ पर ये जो पूरा है ड्रिल समेट लिया और इसे पैक कर देते हैं। बाद में आफ्टर दैट हम आपको चैनल्स बताते हैं नीचे का। और ये जो एरिया है ये एक जयपुर की लोकेशन है जहां हम ये सेटअप कर रहे हैं सारा, और ये डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। और ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि LMB जो है इस तरह से पहले बता चुके हैं, अलग अलग जगह अलग अलग होती है, लेकिन जयपुर की लोकेशन पे ये होता है। अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा है, पिक्चर भी देख ली है, कहां से किस तरह से टाटा स्काई हमने इंस्टॉल की है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि यहां पर ये जो टाटा स्काई इंस्टॉल हो चुकी है, नीचे आप जो देख रहे हैं वहां इंस्टॉल हो चुकी है इस जगह, और हमने इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद में आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरह का लगा, क्या क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, पूरी बातें कमेंट करके आप जरूर से बता दीजिएगा। जैसे आप इस तरह के और वीडियो आप इंडियन गुरुजी और ऑल्डेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जैसा कि अभी टाटा स्काई हमने लगा दी है, और ये हैं हमारे जो है कस्टमर टाटा स्काई की जिनके हमने डिस लगाई है, तो इनसे भी कुछ सुन लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ और बोलना चाहते हैं वो सर कि मेरा खुद का एक YouTube चैनल है जिसका नाम स्पेनिश गुरुजी है, उसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दो तीनों ही जो YouTube चैनल है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां आप देख पाएंगे। और चाहते हैं सीताराम जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करना, साथ ही इंडियन गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करना, तो वो जरूर से कीजिएगा, भूलना नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ इसी तरह की।